नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैमसंग कंपनी का अल्ट्रा स्लिम टेलीविजन है। आप इसका मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। इस पर दोस्तों एक फॉल्ट है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। अगर आप भी टेलीविजन रिपेयरिंग करते हैं तो आपको भी यह फॉल्ट सैमसंग पर मिल सकता है, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फॉल्ट दिखा दूं कि इस टीवी पर फॉल्ट क्या है। तो मैंने इसे ऑन कर दिया है और अब दोस्तों हम इस पर फॉल्ट भी देख लेते हैं कि इस पर समस्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ऑन कर दिया है और टीवी स्क्रीन पर आपको कुछ इस प्रकार से पिक्चर दिखाई दे रहा है। केवल आपको बीच में लाइनिंग के साथ आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। और यह जो प्रॉब्लम है तो इस टेलीविजन पर अल्ट्रा स्लिम पर आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप किस प्रकार से ठीक कर सकेंगे, तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैं इसे बंद कर देता हूँ। दोस्तों मैंने टेलीविजन को ओपन कर दिया है और इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आता है तो आप इस फॉल्ट को किस प्रकार से ठीक कर सकेंगे। तो दोस्तों मैंने मल्टीमीटर को ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया है और अब मैं टेलीविजन को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पावर सप्लाई से हमारा 124 वोल्ट के करीब एचटी पर इन हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले इसका जो मेन प्रॉब्लम है तो कहाँ से आता है, तो दोस्तों यह जो इसका डीटी है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, तो इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों यह इसका इनपुट वाला पिन है और यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ हमें 7 वोल्ट के करीब मिल रहा है। और इसका दोस्तों जो आउटपुट वाला पिन है इस पर भी हमें करीब 6 वोल्ट के लगभग मिल रहा है। और यह जो वोल्टेज है तो दोस्तों यह वोल्टेज डीटी पर कहाँ से आता है, तो आप देख सकते हैं कि यह एक डायोड लगा हुआ है। और दोस्तों हम यहाँ डायोड पर चेक करते हैं तो डायोड पर हमें एक साइड 14 वोल्ट के लगभग मिल रहा है और डायोड के दूसरे साइड हमें 7 वोल्ट मिल रहा है और यही 7 वोल्ट हमारा इस डीटी पर इन हो रहा है। तो दोस्तों फॉल्ट हमारा इस डायोड से है, यह डायोड खराब हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि इस डायोड को निकाल कर एक दूसरा डायोड लगाएंगे। और दोस्तों यह जो सप्लाई है तो यह सप्लाई हमारा एचटी से आता है वर्टिकल आईसी में और यही सप्लाई हमारा डीटी पर भी जाता है। आप देख सकते हैं कि यही सप्लाई हमारा ये प्रिंट से होते हुए हमारा यह वर्टिकल आईसी लगा हुआ है, तो दोस्तों वर्टिकल आईसी पर जाता है और यही सप्लाई हमारे डीटी पर जाता है। और अब दोस्तों हम इस डायोड को चेंज करेंगे। तो दोस्तों मैंने टेलीविजन को बंद कर दिया है और अब दोस्तों हम इस डायोड को ओपन करके इसके जगह पर दूसरा डायोड लगाएंगे। तो दोस्तों मैं एक दूसरा डायोड लगा लेता हूं और हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है तो ठीक हुआ कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस डायोड को निकाल दिया है और दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो नंबर है, तो नंबर क्या है, तो दोस्तों इसका जो नंबर है IN4004 इसका नंबर है। अगर दोस्तों आपके पास इस नंबर का डायोड नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास IN4007 या फिर BA157 या फिर BA159 है, तो दोस्तों आप इस पर लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो डायोड है उसका नंबर है BA157। मैं इसे फिलहाल ऊपर से ही अभी लगा दूंगा और इसके बाद दोस्तों हम टीवी को चालू करके देखेंगे। अगर हमारा फॉल्ट सही हो जाता है तो हम इसे अच्छी तरह से ऊपर से लगा देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस डायोड को यहाँ लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस डायोड को ऊपर से ही फिलहाल अभी चेक करने के लिए लगा दिया है, जिसका नंबर है BA157। आप BA159 भी लगा सकते हैं या कि फिर IN4007 भी लगा सकते हैं।
और अब दोस्तों मैं इसे ऑन करूंगा और सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि पहले हमें इस डायोड के इस साइड मतलब कि कैथोड साइड हमें करीब 6 से 7 वोल्ट मिल रहा था, जिससे दोस्तों हमें यह फॉल्ट देखने को मिल रहा था। और अब हम दोस्तों इसे चालू करेंगे और इसका जो वोल्टेज है तो दोस्तों हम वोल्टेज अब चेक करेंगे। तो यहाँ हमारा 15 वोल्ट के करीब मिल रहा है और इसके दूसरे तरफ हमें 14 वोल्ट के करीब मिल रहा है। और डीटी पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डीटी पर हमारा जो वोल्टेज है तो करीब 14 वोल्ट हमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं 13 से 14 वोल्ट हमारा मिल रहा है। और अब दोस्तों हम टीवी स्क्रीन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टेलीविजन पर जो प्रॉब्लम था, जो समस्या था, तो दोस्तों अब हमारा सही हो चुका है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सैमसंग के टेलीविजन पर इस प्रकार से अगर दोस्तों कभी भी फॉल्ट आता है तो यह जो फॉल्ट है नॉर्मली इस डायोड के कारण आपको देखने को मिलता है, जो कि वीक हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर आप इसे मल्टीमीटर चेक करेंगे तो दोस्तों यह कभी कभी सही भी बताता है, तो आपको एक नया डायोड लगाकर चेक करना है। दोस्तों अगर यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।